वेलकम टू माय चैनल कार डाई। आज मैं होंडा सिटी 6th जनरेशन के बारे में आपको बताऊंगा, इसके फीचर, इसके स्पेक्स और पाकिस्तान में आने वाली होंडा सिटी एस्पायर मॉडल 1.5 में क्या क्या फीचर होंगे और क्या क्या और इसकी क्या एवरेज है, ये इस बारे में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किस प्राइस में आने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी लेंथ विड्थ के बारे में बताऊंगा। होंडा सिटी 6th जनरेशन की लेंथ 4400 मिलीमीटर है, इसकी विड्थ 1695 मिलीमीटर है, इसकी हाइट 1495 मिलीमीटर है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 165 मिलीमीटर है और इसकी व्हील बेस 2600 मिलीमीटर है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि ये जो होंडा सिटी 6th जनरेशन है ये 5th जनरेशन से 20 मिलीमीटर लंबी है, इसकी विड्थ बिल्कुल सेम है, इसकी हाइट तकरीबन 15 मिलीमीटर 5th जनरेशन से ज़्यादा है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस तकरीबन 5 मिलीमीटर पिछली जनरेशन से ज़्यादा है, इसकी व्हील बेस 50 मिलीमीटर पिछली 5th जनरेशन होंडा सिटी से ज़्यादा है। और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी बूट स्पेस के बारे में बता दूं, जो 5th जनरेशन होंडा सिटी थी उसकी 506 लीटर बूट कैपेसिटी थी, इसकी 510 लीटर बूट कैपेसिटी होगी जो कि अगेन 5th जनरेशन से बड़ी है। और इसके साथ साथ इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 40 लीटर होगी जो कि 5th जनरेशन में ज़्यादा थी, 5th जनरेशन में 42 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी। अब आ जाते हैं इसकी एवरेज के बारे में। तो ये वाली 6th जनरेशन होंडा सिटी है, सिटी में 14 से 16 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज देगी और लॉन्ग में ये 20 लीटर प्लस एवरेज देगी क्योंकि CVT ट्रांसमिशन के साथ आ रही है और 1.5 CC है, तो ये काफ़ी पावरफुल इंजन होगा और काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट इंजन होगा। और अगर हम देखें 5th जनरेशन को देखें तो उसकी जो एवरेज थी आप सबको पता है कि वो सिटी में 11 से तकरीबन 14 किलोमीटर तक करती है और लॉन्ग पे तकरीबन 18 से प्लस करती है। अब आ जाते हैं होंडा सिटी 6th जनरेशन के फीचर की तरफ। इसके अंदर कीलेस एंट्री है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है और इसके साथ साथ इसके अंदर DRLs हैं, LED साइड इंडिकेटर्स हैं और जो इसके अंदर जो कंफर्म फीचर है कि इसके अंदर सनरूफ 100% कंफर्म है कि इसके अंदर सनरूफ आएगी और इसके अंदर अलॉय रिम आएंगे और इसके अंदर क्रूज कंट्रोल आएगा, इसके अंदर डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है और इसके साथ साथ इसके अंदर बैक सीट पे एयर वेंट्स आएंगे जो कि अगेन बहुत ही बेहतरीन फीचर है। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर इंजन का स्टार्ट स्टॉप बटन आएगा और उसके साथ साथ इसके अंदर एक नहायत ही खूबसूरत अलॉय रिम आएंगे और इसके साथ साथ इसके अंदर शार्क फिन एंटीना आएगा और इसके साथ साथ मैं एक आपको 100% कंफर्म फीचर जो कि आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि इसके अंदर सनरूफ 100% कंफर्म है कि होंडा सिटी 1.5 एस्पायर वेरिएंट में टॉप स्पेक वेरिएंट के अंदर सनरूफ आने वाली है। और इसके साथ साथ DRLs आ रहे हैं और इसकी LED लाइट्स आ रही हैं, फ्रंट और बैक दोनों LED लाइट्स होंगी और इसके अंदर बैक कैमरा होगा और इसके स्टेयरिंग पे मल्टीमीडिया कंट्रोल के लिए बटन्स होंगे और इसके अंदर एक मल्टीमीडिया स्क्रीन होगी और इसके अंदर दो एयरबैग्स आने वाले हैं। और इसके इंटीरियर की पिक्चर्स आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत इंटीरियर है। और इसकी जो प्राइस होने वाली है, जैसे कि आपको प्रीवियसली न्यूज़ में पता चल गया होगा कि इसकी 1.2 CVT वेरिएंट की प्राइस, जो लो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस 27 लाख
25,000 होने वाली है। तो इसी तरह 1.5 CVT ऑटोमेटिक वेरिएंट की प्राइस जो कि फिफ्थ जनरेशन से 2 से 3 लाख ऊपर होगी, जो कि फिफ्थ जनरेशन की प्राइस जो थी 29,15,000 पे फिफ्थ जनरेशन की बुकिंग क्लोज हुई है, और जो सिक्स जनरेशन आने वाली है उसकी तकरीबन 32 से 33 लाख की प्राइस होगी। ये कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म है कि ये जो सिक्स जनरेशन आने वाली है उसकी 2 से 3 लाख प्राइस अप होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप काइंडली लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। याद रखिए, जो मैंने आपको सनरूफ का फीचर बताया है वो 100% कन्फर्म है, लेकिन जो साइड मिरर रिट्रैक्टेबल्स होंगे उसके बारे में अभी 50-50 है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सनरूफ और इसकी प्राइस 32 से 33 लाख में आने वाली है, ये 100% कन्फर्म है। सो काइंडली लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट।